दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति कोई परिवादी झूठी शिकायत लेकर पुलिस थाना जाता है या झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कानून की आवाज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन या मैसेज आपके पास पहुंच सके। अब अपन बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। मान लो कोई भी शिकायत करता या परिवादी झूठी शिकायत पुलिस कंप्लेन करने के लिए जाता है, पुलिस थाने में जाता है या एसपी कार्यालय जाता है। मान लो पुलिस को तफ्तीश के दौरान उस व्यक्ति या गाँव वालों से पूछताछ या जो भी गवाह एविडेंस आसपास के जो घटना पे जो व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ करने पर ये पता लगता है कि वो व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो झूठी है, तो पुलिस इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं परिवादी हैं इस प्रकार के व्यक्ति पर सख्त से कार्रवाई कर सकती है। मान लो आजकल हर व्यक्ति किसी जैसे नौकरी पेशा व्यक्ति है तो उसे देख के जलता है, कोई बिजनेस मैन है तो उसे देख के जलता है, तो ऐसे हर व्यक्ति एक दूसरे पर आरोप लगाने पर तत्पर रहते हैं। मान लो कोई नौकरी करता है तो उसे यह धमकी देता है कि तेरी नौकरी चली जाए, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पुलिस अपनी हद पे आ जाए तो अब उस व्यक्ति की खैर नहीं है। जो व्यक्ति अगर झूठी कंप्लेन दर्ज कराता है, झूठी शिकायत कराता है, तो उस व्यक्ति पर पुलिस उल्टा उस व्यक्ति पर 182 की कार्रवाई कर सकती है, 182 की कार्रवाई अमल में ला सकती है। अगर अब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कार्रवाई करता है, झूठी कंप्लेन करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 182 IPC के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति पर धारा 182 IPC के तहत कार्रवाई होती है तो उस व्यक्ति को 6 साल के लिए अंदर जाना, 6 महीने के लिए अंदर जाना पड़ सकता है, प्लस फाइन भी या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है, अगर आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई व्यक्ति इस प्रकार की कंप्लेन दर्ज कराता है और बाद में राजीनामा कर लेता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप SP के पास जाकर, पुलिस थाना अधिकारी के पास जाकर, वो व्यक्ति कहता है मैं गलती से इसको नुकसान पहुंचाने की वजह से मैंने शिकायत दर्ज करा थी, तो आप इस प्रकार के व्यक्ति से बचने के लिए आप पुलिस SP या जो भी थानेदार उसको हकीकत बताकर उस व्यक्ति के खिलाफ उल्टा 182 कार्रवाई करवा कर पुलिस उस व्यक्ति को जेल भेज सकती है। पुलिस चाहे तो क्राइम को रोक सकती है, अगर वो झूठी कंप्लेन लेके आता है तो उसके खिलाफ उल्टी 182 कार्रवाई कर सकते हैं और उसे जेल भेज सकती है। अगर दोस्तों हमारा इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसे शेयर करें और लाइक जरूर करें। अगर इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।